हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम हो गया आपका रूबी के जहाँ रियल ब्लॉग में। और अभी देखिए 6 बज रहे हैं और ये देखिए घर के अंदर लाइट नहीं चालू की हूँ मैंने, और ये बालकनी से दिखा रही, नीचे नारियल वाला खड़ा है, चिल्ला रहा है और एकदम सुनसान है अभी। और ये दोनों बच्चे सोए हैं मेरे, इनको मैं अभी नहीं जगाऊंगी, इनको मैं 8 बजे के बाद ही जगाती हूँ। और ये आ गई मैं किचन में और ये मेरे हस्बैंड नारियल काट रहे हैं। देखिए कितने अच्छी तरीके से नारियल काट रहे, एकदम जैसे नारियल वाले लोग काटते हैं, एकदम वैसे उसी तरीके से नारियल काट रहे हैं। और ये मेरी एनर्जी ड्रिंक रखी है और वो हरा प्याज काट के रखा हुआ है, उसकी सब्ज़ी बनाऊँगी मैं। ये देखिए इनके काटने का तरीका, इतनी साफ छुरी है कि अगर हाथ पे लग जाए तो हाथ ही कट जाए। देखिए झटके में कट जा रहा है, एकदम अन्ना की तरह काटते हैं। मैं इनको अन्ना ही बोलती हूँ जब ये नारियल काटते हैं। तो ये नारियल पानी पीते हैं सुबह खाली पेट, और ये सब्जी बन रही है और ये काली चाय हो रही है। वो काली चाय बन के रखी है, दूध नहीं आया है अभी क्योंकि दूध दुकान लेट खुलता है, तो ये दूध लाऊंगी, दूध लाने गए हैं, सब अभी लाएंगे तब उसमें दूध डलेगा। ये आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, और ये हरा प्याज ऊपर से बाद में डालूंगी। और ये आटा रखी हूँ गूंदने के लिए, और उधर साइड में गोभी को मैंने हल्का सा बॉईल करके रखी हूँ, उसके पकौड़े बनाऊँगी। ये देखिए मैंने 3-4 रोटी बना ली क्योंकि 9 बज रहे हैं, टाइम ज़्यादा हो गया है, सब दिन चले जाएंगे तो बना कर क्या फ़ायदा। एक साइड पकौड़ी बना रही हूँ मैं, गोभी की पकौड़ी है, और एक साइड रोटी सेक रही हूँ ताकि दोनों काम फटाफट हो जाए, पर नहीं जम रहा है। यहाँ भी देखना पड़ रहा है, यहाँ भी देखना पड़ रहा है, और इसलिए मैंने एक आलू भी काट के डाल दी हूँ क्योंकि बैटर बच जाएगा। और एक हाथ से यहाँ पर रोटी भी फुला रही हूँ मैं, और देखिए 3-4 रोटी मैं एक ही बार बेल के रख ली थी। तभी मेरे हस्बैंड आए हैं, बोल रहे हैं अकेले बना रही है, तो मैं बोली कि बोले लाओ मैं भजिया बना दूँ, बोले भजिया नहीं रोटी बना दो। तो सच में देखो रोटी बनाने लगे, वो रोटी बेल रहे हैं, मैं भजिया को पलटी मार रही हूँ। एक बैच हो गया है, दूसरा बैच डाली हूँ मैं, और ये मेरे हस्बैंड देखो रोटी बेल रहे हैं, का शर्ट नहीं पहने इसके लिए मैं चेहरा नहीं दिखा रही हूँ, और उनका हाथ है देखिए, लेकिन बहुत अच्छी रोटी बना रहे हैं। थोड़ा सा आटा ज़्यादा लगा दे रहे हैं पर रोटी बहुत अच्छी बन रही है, एकदम मस्त फूली फूली सी रोटी। देखिए कितने अच्छे से बेल भी रहे हैं, एकदम गोल गोल रोटी। अभी देखिए मैं दिखाती हूँ आपको इनकी रोटी कितनी अच्छी तरीके से फूलती है। और मैंने पहले से लोई काट के रखी हूँ, ये 3 लोई का 2 लोई बना दे रहे हैं, बोले क्या पतला पतला बनाना, खाना ही तो है, और मोटी मोटी सी बना रहे हैं, बड़ी बड़ी सी रोटी, बोले जब खाना ही है हम ही लोग को तो क्या ज़रूरत है इतना छोटा छोटा रोटी बनाने का। देखिए 3 लोई की 2 लोई करके बना रहे हैं, और देखिए एकदम गांव की स्टाइल में। पहले ही खुद से अकेले खाना बनाते थे जब अकेले रहते थे, शादी नहीं हुई थी तो इनको पहले से आता है खाना बनाना। ये देखिए बिना हाथ से दबाए कितनी अच्छी रोटी फूल रही है, एकदम बलून की तरह। ये बात करते जा रहे हैं और रोटी बनाते जा रहे हैं, यहाँ हम दोनों जन जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए, और बाकी लोग ने कर लिया है, गरम गरम ही दे दी थी मैं सबको, हम दोनों बच्चे हैं। तो रोटी सब्जी और आलू की पकौड़ी है, गोभी की है, चटनी है, और पाव भी ली थी मैंने सुबह पाव वाले से। और देखिए मेरे हस्बैंड का सर थोड़ा सा ढीला हो गया था, ढीला लग रहा था उनको, ये नया सिल के आया है अभी, तो इसे थोड़ा सा टाइट करा रहे क्योंकि ये फिटिंग नहीं पहनते, हाफ अस्तीन है, ढीली नहीं अच्छी लगती है, तो इसको फिटिंग करें। और बोले अच्छी तरीके से सिलाई मारना, फिर दोबारा अच्छे से खुले ना, ये बोले भी ऐसा मार दूंगा कि कभी ज़िंदगी में भी नहीं खुलेगा सिलाई। हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए, आप लोग भी आइए नाश्ता करने के लिए। और ये देखिए ये जा रहे हैं काम पे, ये मेरे चाची के लड़के हैं देवर, ये काम पे जा रहे हैं और एक जन बैठे हैं। ये सबका टाइम है 9:15, 9:30, जिसका जब टाइम है तब सब जाते हैं अलग अलग जगह पे। और ये देखिए सामने ये कमांडो क्लासेस है, बहुत शोर रहती है यहाँ पे, तो मैं देखने आई हूँ क्या शोर कर रहे हैं लड़की लोग। और ये देखो जा रहे हैं तो बाय बाय करके जा रहे हैं। ये देखिए सोया है, इसको मैं अभी नहीं जगाऊंगी क्योंकि ये जाग जाएगा तो फिर कुछ काम नहीं करने देगा, सुबह सुबह रोते ही उठता है ये। और ये देखिए खाना है, नाश्ता बनाने के बाद में ये सारा किचन ऐसे फैला हुआ है, अभी इन सबको साफ़ करना है। बनाने में बड़ा मज़ा आया। और ये देखिए सब किचन उचन मैंने साफ़ नहीं की,
इसका प्रोजेक्ट बनाना था। इसने मुझे बाद में बताया है कि मम्मी आज मैं ट्यूशन नहीं जाऊंगा, आज मुझे एक्टिविटी बनाना है। तो दुकान भी 10 बजे के बाद ही खुलता है, जो सामान लेना था दुकान से एक्टिविटी बनाने के लिए तो वो लेके आया है 10 बजे के बाद। फिर हम लोग बनाने लगे हैं तो टाइम हो गया है ज़्यादा। ये देखिए ये बना चुका है, ये मैक्स का है, एक्टिविटी बनाना था, इसका टेबल लिखना था। ये देखो मैंने अभी तक कोई काम नहीं की हूँ, जा रही थी मैं सब बर्तन वर्तन धुलने के लिए चाय के, तो मेरे बेटे का एक्टिविटी आया था मोबाइल पे, वो मैंने अभी देखी और उसने भी अभी बताया था सुबह 9 बजे, तो उसकी एक्टिविटी बनाते बनाते भी 12 बज गया है और वो अभी स्कूल जा रहा है। और ये देखिए मैंने बर्तन वहाँ पड़े हैं ऐसे ही, और मैंने खाना रख दी हूँ ताकि यहाँ खाना भी रोटी सब्जी सुबह बन गया था। और रिक्शा वाला आवाज़ दे रहा है, तो देखिए अभी वो चला गया है, घर एकदम खाली है, सब लोग चले गए हैं। अब मैं जा रही बर्तन धोने के लिए फटाफट, और यहाँ मैंने खाना रख दिया ताकि मेरे एक साथ दोनों काम होते रहे, टाइम ज़्यादा हो गया है। रोटी सब्जी मैंने सुबह ही बना ली थी, देखो चावल हो रहा है और ये दाल। और ये नीचे मैं देखने आई हूँ रिक्शा गई कि नहीं गई, रिक्शा चली गई है और ये घर में दूंगी, उसके बाद छोड़ दूंगी। और ये फटाफट बर्तन धुल ले रही हूँ, बर्तन धुल जाता तो ऐसा लगता सारे काम हो गए हैं। बर्तन किचन में रहता है तो ऐसा लगता है मुझे कि बहुत ज़्यादा काम है, बर्तन को ही देख के मेरी सांस फूलने लगती है। हाथों हाथ पे धुलती रहती हूँ, नहीं तो फिर ये और ज़्यादा रहता नाश्ते का बर्तन। लेकिन मैं बीच बीच में जो चाय वाय पी लेते हैं उनको सब धोती रहती हूँ, बच्चे लोग जो निकालते हैं बर्तन हाथ हाथ धो लेती हूँ। ये खाली जो चाय के नॉर्मल बर्तन थे जिसमें चाय बनी थी, कढ़ाई वढ़ाई ये सब चीज़ है, इनको मैं फटाफट साफ़ कर लूँगी। आज मैं थोड़ा सा लेट उठी थी क्योंकि मेरा बेटा मेरे साथ में उठ गया था 6:30 बजे, तो उसको दूध पिलाते सुलाते मुझे टाइम लग गया था। और अगर रोते उठता है तो उसको 1 घंटे तक का सब सुलाना खिलाना पड़ता है आराम से, नहीं तो किसी की गोदी भी नहीं जाता है, मानता भी नहीं है बिल्कुल, उसके चक्कर में मुझे लेट हो जाती है। और सबके लिए टिफिन ही बनाना पड़ता है, या पहले टिफिन नहीं बनाना होता था तो चाहे जब खाना बना लो कुछ भी बना लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। चाहे मैं 1 बजे भी बनाती थी तो भी मेरा खाना 2 बजे तक हो जाता था। अब जल्दी उठना पड़ता है सुबह, और आदत भी छूट गया है, पहले से ही लेट ही उठते थे हम लोग 8 बजे 9 बजे सो करके, कुछ काम नहीं रहता था। बस मेरे बेटे को 9 बजे ट्यूशन जाना होता था 9:30 बजे, उसी की वजह से मैं थोड़ा जल्दी उठती थी उसके नाश्ता बनाने के लिए, नहीं तो फिर बाकी लोग सब 9 के बाद ही उठते थे। लेकिन अब प्रैक्टिस हो रही है धीरे धीरे से, तरीके सिंक में कचरा जमा हो गया है और सिंक से नीचे पानी भी गिर रहा है, इसको बदली करवाना है पर ये खुल ही नहीं रहा है, इस वजह से ऐसे ही हो जाता है ये। इसके नीचे कुछ सामान रखने लायक भी नहीं है क्योंकि पानी गिरता है फिर मुझे बाद में अच्छा नहीं लगता है, वो पानी बास आता है। और इसको मैं एक हाथ ऐसे धो ले रही हूँ, चिकट चिकट होता है तो अच्छा नहीं दिखता है, एक हाथ मार लो तो अच्छा हो जाता है। बर्तन धुलने के बाद एक हाथ ये टाइल्स पे और यहाँ ये सब मार देती हूँ ताकि साफ़ हो जाए, नहीं तो अगर हम रोज़ रोज़ साफ़ ना करें इसको छोड़ दें ऐसी तो इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है, चिकट चिकट सा हो जाता है, फिर बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसलिए एक हाथ ऐसे मार दिया करें तो फिर आसानी हो जाता है, छूट जाता है आराम से। और ये मैं वाइपर मार के पानी गिरा दे रही हूँ, वाइपर से आसानी हो जाती है, एकदम अच्छे से क्लीन हो जाता है, हाथ नहीं लगाना पड़ता। ये मेरा किचन बड़ा उल्टा सा है, ये मेरा किचन बड़ा उल्टा सा है, पानी जरा सा भी गिरता है तो सीधे गैस के नीचे पहुंच जाता है, और ये अपना नहीं है इसलिए इसको बनवा भी नहीं सकते, रेंटेड हाउस है ये मेरा, तो इसलिए जितना पानी गिराओ सब इधर ही आता है। और ये मुझे काम करते करते प्यास लग गई थी, मिल जाए नारियल पानी पीने के लिए, दिखा रही हूँ कि नारियल, ये देखिए टाइम ला रही पी रही हूँ। एक मैं नारियल पानी पी ले रही हूँ, नारियल पानी पीने के बाद ये आटा बच गया था, अब खाना खाने का टाइम हो गया तो आटे का मैं रोटी नहीं बना रही हूँ, उसको पूड़ी बना दे रही हूँ, थोड़ा सा आटा बचा था 4-5 रोटी का तो उसको मैं 8-10 पूड़ी बना ले रही हूँ, ऐसे गोल गोल थोड़ी मोटी मोटी सी ही, ऐसी सूखी सब्जी बनाई हुई है आलू गोभी टमाटर की और हरे प्याज की, तो उसके साथ में पूड़ी अच्छी लगती है इसलिए मैंने पूड़ी बना ली। मुझे रोटी कौन बनाया, रोटी बनाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, और ये तेल कढ़ाई में पहले से रखा ही हुआ था, पकौड़ी बनाई थी मैंने गोभी की इसका, तो मैंने पूड़ी ही बना ली फटाक से, और भूख भी लग गई थी, ज़्यादा टाइम हो गया था। तो देखिए कितने मस्ती से पूड़ी बने, एकदम बलून की तरह फूले फूले से। और ये मैं दूसरी डाल दे रही हूँ,
ये देखिए सारे काम हो गए हैं मेरे, खाना वाना सब कुछ बन चुका है, सारा हरे काम से फ्री हो गई हूँ मैं। और अब मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए, क्योंकि 1:30 बज गया है, अभी तो कोई आया नहीं है, मुझे दवा खाना होता है, इसलिए मुझे भूख भी लगी जोरों की, तो इसलिए मैं खाना खाने जा रही हूँ। मैंने अपनी थाली सजाई हूँ एकदम अच्छी तरीके से, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने अपनी प्लेट सजाई हूँ कितनी अच्छे से, दाल चावल और पापड़ पूरी है, सब्जी और सैलेड है, सबको एकदम अच्छे तरीके से सजा दी हूँ प्लेट के अंदर। आइए तो आइए आप लोग भी खाने के लिए, मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए, मिलते हैं खाना खाने के बाद। ये देखिए खाना खाने के बाद मैं ऐसे ही बैठी थी, थोड़ा आराम कर रहे थे, तो ये चिड़िया लोग की बहुत ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ आने लगी, तो मैं यहाँ गई इनको देखने के लिए कि क्यों चिल्ला रहे हैं इन लोग। यहाँ पर चूहे भी आते हैं, चूहे लोग को देख के इन लोग बहुत तगड़ा चिल्लाने लगते हैं, क्या पता इनको लगता हो कि इन लोग को खाना ले चूहा, इसके वजह से ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से शोर मचाते हैं, चिल्लाते हैं। ये देखिए पहले यहाँ पे पिंजड़ा था, अब ये एकदम खाली हो गया है, और वो गंदगी छूटते छूटते छूटेगी बाद में आराम से। और ये साइड में पिंजड़ा हो गया है, अब ये पूरा एकदम खाली सा हो गया है। और यहाँ देखो रस्सी बांध दिए हैं कपड़ा सुखाने के लिए, अब नहीं टेंशन है रस्सी की, जितने मर्जी उतने कपड़े सुखाओ। और यहाँ पर देखिए ये है मिर्ची का झाड़, इसमें फूल आ रहे हैं, ये इसमें मैं आपको दिखाती हूँ फूल, ध्यान से देखिए दिखेगा, इसमें छोटे छोटे से फूल आ रहे हैं, ये छोटी वाली मिर्ची है शायद, इसमें फूल आने लगे हैं, मिर्ची का झाड़ है ये। ये अब मालूम पड़ रहा है कि मिर्ची का झाड़ है, छोटे पे नहीं पता चलता कि कौन सी झाड़ है ये, और इसमें छोटे छोटे से फूल आने लगे, कुछ दिन के बाद से मिर्ची भी आने लगेगी। एक बार हम लोग ने और लगाए थे अगले बार, तो बड़ी बड़ी मिर्ची थी, बहुत सारी मिर्ची निकली थी उसमें। और ये शायद टमाटर है कि बैंगन है, क्या पता। ये देखिए इसके अंदर फूल है, इसमें भी, इसमें ज़्यादा फूल आए हैं, देखिए बड़े बड़े, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा पेड़ है सबसे। और ये इसके साथ मस्ती कर रहा है मिट्ठू लोग के साथ में, जितना ही चिल्ला रहा है उतना मिट्ठू लोग भी चिल्ला रहे हैं, मैं इसको बोल रही चलो अंदर, नहीं जा रहा है, तो मैं इसको छोड़ के जा रही हूँ, इसको डरा रही हूँ मैं कि यहाँ भूत है, चलो अंदर चलते हैं, भूत का नाम ले लेते फटाक से पीछे आ जाता है। देखिए इसके बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की थी, चली गई थी मेरे जेठानी के घर पे, और वहाँ पे कोई वीडियो भी नहीं बना पाई थी मैं, और एक छोटा सा क्लिप बनाई मैं अपनी। ए पापा।